हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। इससे जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसके अंदर हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उससे पहले वाले सेशन में पीएम किसान को कवर कर लिया था। पीएम किसान का जो वीडियो था उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस के बहुत सारे स्कीम्स के सजेशन दिए थे। उन सजेशन में से एक सजेशन मैंने आपका इम्प्लीमेंट किया है जो आज हम कवर करने वाले हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हाँ, इसके बाद आपने जो बाकी नाम लिखे हैं वो भी कवर किया जाएगा। आपको पता है इन सेशन को कंटिन्यू करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप अपने अंदर से वो करंट अफेयर्स और नबार्ड नोट्स और डर है वो निकाल के अच्छे से प्रिपरेशन कर सके ताकि इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इंडिया का नंबर वन चैनल है, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। नंबर वन मैंने नहीं बनाया, आप लोगों के प्यार ने नंबर वन बनाया है। और खैर इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता नंबर वन और नंबर टेन है, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट है तो नंबर वन है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जहां पे भी हम हैं इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो कोशिश करते हैं कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है, बदले में हम भी आपको कुछ दे सके। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करते हैं। पहले तो आपको बता दूं कृषि सिंचाई योजना जो फोकस्ड है इरिगेशन पे, कृषि पे, एंड कृषि जो है वो हमारे एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस स्कीम को इनिशियली चलाया गया था 5 साल के लिए, फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सोचो किसी स्कीम को चलाया जाए और उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। मान लो मैं आपको बोलूं कि 10 लेक्चर देने वाला हूं करंट अफेयर्स के और बाद में बोलूं कि नहीं यार हम इसे कंटिन्यू करेंगे, व्हाई, बिकॉज ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही ऐसा कुछ है क्योंकि इरिगेशन की बात करेंगे तो इंडिया का जो इरिगेशन कवरेज है वो कितना है। ओवरऑल जो हमारे पास एरिया है 141 मिलियन हेक्टेयर का, उसमें हम 48% इरिगेशन कर पा रहे हैं, बाकी के लिए हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आने के बाद ये 48 से बढ़ा है, ये 49 के आसपास चला गया है, लेकिन अभी भी अगर 49% भी इरिगेशन हो गया है तो मतलब 51% एरिया वो है जो आज भी अन इरिगेटेड है। तो अन इरिगेटेड एरिया में क्या चाहिए, उसमें तो इरिगेशन ही चाहिए। तो बस इरिगेशन को बढ़ाने के लिए, हर खेत में पानी लाने के लिए, प्लस इरिगेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लॉन्च कब हुई थी, 1 जुलाई 2015 को, या तो इसे खरीफ 2015 कहा जा सकता है या इसे खरीफ ना कह के 1 जुलाई 2015 कहा जा सकता है। ये स्कीम भी पहले वाली दोनों स्कीम की तरह ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन हाँ, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो असिस्टेंस था, मतलब जो पैसा था, उसमें स्टेट और सेंटर का शेयरिंग था, इस स्कीम के अंदर भी स्टेट और सेंटर का शेयरिंग है, लेकिन जो पीएम किसान स्कीम थी उसमें स्टेट का कोई शेयर नहीं है, वो 100% फंड करता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जो पीएम किसान स्कीम थी और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कंप्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर चला रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, इसमें 3 अलग अलग मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले 2 सेशन में भी कहा था कि मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, हर स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ध्यान रखना, कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी स्कीम लेके आ रही है। हमारे केस में मेजरली 3 ही मिनिस्ट्री आएंगी, पहली तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आ सकती है, या फिर कुछ केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी आ सकती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम का जो मोटो है, जो विजन है, जो थीम है, वो है हर खेत को पानी। हिंदी के नाम से समझ आ रहा है आप लोगों को, हर खेत को पानी का मतलब इरिगेशन कवरेज बढ़ाना। आज के टाइम में हर खेत के में पानी नहीं है, लेकिन इस स्कीम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कवरेज बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके 2 मेजर टारगेट है। फर्स्ट टारगेट है टू एक्सपेंड कल्टीवेटेड एरिया विद अश्योर्ड इरिगेशन, वो तो यही वाला हो गया, हर खेत को पानी, बिकॉज ये बोलता है कि हमने एक्सपेंड करना है कल्टीवेटेड एरिया ताकि वहां पे क्या हो, अश्योर्ड इरिगेशन हो, सिंचाई होनी चाहिए, तो हर खेत को पानी हो गया। दूसरा है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी। भाई वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, माइक्रो इरिगेशन करना पड़ेगा कि मैक्रो। मैक्रो तो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, जो हम ये सरफेस इरिगेशन करते हैं, जो फ्लड इरिगेशन करते हैं, ये मैक्रो ही तो है, इसमें ज्यादा पानी को यूज कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास जो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन आ गया है, ये माइक्रो का पार्ट है,
ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा, तो हर खेत को पानी तो अश्योर्ड इरिगेशन लेके आएगा, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो माइक्रो इरिगेशन वाला पार्ट है वो क्या करेगा, वो एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। जहां पे 90-95% तक एफिशिएंसी आपका ड्रिप इरिगेशन देता है, तो सेम टाइम पे 60-75% के आसपास आपको एफिशिएंसी कौन देता है, यस वो दे देता है आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं सर्ज इरिगेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है? सर्ज इरिगेशन की एफिशिएंसी पता है, यस देखिए फर्स्ट आंसर भी आ गया है, ऑफ कोर्स आप सही लिख रहे हैं। मैंने बोला ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी 90-95%, स्प्रिंकलर की 65-75%। तो सर्ज इरिगेशन की बात करेंगे, सर्ज इरिगेशन में भी आप नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है जानते हैं। तो सर्ज इरिगेशन जिसे इंटरमिटेंट इरिगेशन भी कहा जाता है, 85-90% की एफिशिएंसी देके जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो सेंट्रल स्टेट का शेयरिंग है वो 75-25% होगा, कहीं 60-40 या कुछ और दिखे तो कंफ्यूज मत होना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, 25% का रेशियो होगा। इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फिर 10% स्टेट देगा, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और 90% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट नॉर्मल स्टेट वाले केस में 75% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 25% कौन देगा आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, 75% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी। आउट ऑफ अबाउट 141 मिलियन हेक्टेयर ऑफ नेट एरिया सोन इन द कंट्री, About 69 million hectare या फिर इसे लगभग 48% क्या दो, is presently covered under irrigation, है ना, 68 था पहले, अब 69 के आसपास हो गया जब से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई है। इसीलिए कह रहा हूं जो 48% आप किताबों के अंदर पढ़ते हो, अगर ऑप्शन में 49 का है तो गुस्सा मत हो जाना भाई साहब, बड़ी है, बिकॉज सिंचाई योजना आई है तो कुछ तो सिंचाई बढ़ेगी ना, तो एरिया जो कवर्ड है अंडर इरीगेशन वो बढ़ गया है। आगे चलते हैं, इस स्कीम के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, कंपोनेंट जो स्कीम के हैं, बिकॉज ये जो कंपोनेंट है ना क्यों है, क्योंकि ये स्कीम अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम जानते हो ना, तुम भी तो लड़के क्लास ले रहे हो, तुम भी बहुत स्कीम चलाते हो ना, बारिश आती है, बारिश में अम्ब्रेला लेके जाते हो, फिर क्या करते हो, फिर वो जो तुम्हारी जा रही होती है तुम उसको बोलते हो ना आ जा मेरे साथ, तो तुमने अम्ब्रेला क्यों लिया था, ताकि एक से क्या हो सके, चलो मजाक कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अम्ब्रेला होगा तो नीचे दो लोग होने को एक भी हो सकता है, मैं तो ऐसे समझाने के लिए याद रखवाने के लिए बोल रहा हूँ। तो किसी स्कीम में अगर अम्ब्रेला स्कीम लिखा हो ना तो समझ जाना वो एक स्कीम नहीं है, वो बड़ी स्कीम है और उसके नीचे सब कंपोनेंट है। तो उसके कंपोनेंट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स implemented by various ministries, they are as followers. तो सबसे पहले आ गया आपका department कौन सा? Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. इसके अंदर component कौन सा आपका? Accelerated Irrigation Benefit Program और दूसरा कौन सा? हर खेत को पानी। उसके बाद आ गया Department of Land Resources, उसके अंदर कौन आ गया? Watershed Development। जो Watershed का Development है ये काम कौन करने वाला है? Department of Land Resources। उसके बाद Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare कौन सा component perform करने वाला है? Per drop more crop, ये important point है, अलग अलग ministries involved है, आपको याद करना पड़ेगा। स्कीम जब लाई गई थी तो मैंने शुरू में बताया कि इनिशियली 5 सालों के लिए थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ₹50,000 करोड़, अच्छा खासा अमाउंट था, कॉर्प्स फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल इरिगेशन विद नाबार्ड विद इन 5 years। तो नाबार्ड 2018 ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई कितने सालों के लिए इंप्लीमेंट की जा रही है, तो 5 साल तक उसका आंसर था, लेकिन 2020 के बाद ये आंसर बदल गया है। क्यों बदल गया है? द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंदर दो कंपोनेंट निकाल दो, पहला ग्राउंड वाटर वाला और दूसरा पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला, हैज बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड 21-22 से 22-25 से 26। तो 2021-22 से लेके 2025-26 तक इसे बढ़ा दिया गया है, जो कंपोनेंट आपने पीछे पढ़े, बट उसमें से ग्राउंड वाटर वाला कंपोनेंट और पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो कंपोनेंट है उसको अप्रूवल नहीं मिला है, बाकी कंपोनेंट को अप्रूवल मिल गया। मतलब हर खेत को पानी वाला मोटो आज भी गवर्नमेंट हमारी लेके चल रही है, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट को अप्रूवल दिया और कुछ को नहीं दिया, कंपोनेंट सारे पीछे बता दिए, जिन दो को अप्रूवल नहीं दिया वो बता दिया, और अप्रूवल मिला है 2021-22 से लेके 2025-26 तक, राइट। उसके बाद एफिशिएंसी की बात करते हैं कि हमारे जो मेजर इरिगेशन सिस्टम है उनकी एफिशिएंसी कितनी है, हमारा जो सरफेस इरिगेशन है
लगभग 35-45%। आप अगर किताबें पढ़ते हैं, किताबों में डेटा पुराना होता है, उसमें 30-40 लिखा होगा, लेकिन आप जानते आ रहे हैं जब माइक्रो इरिगेशन से एफिशिएंसी बढ़ रही है तो ओवरऑल भी बढ़ रही होगी। सरफेस के अंदर भी आजकल हम पानी उतना यूज नहीं कर रहे जितना पहले करते थे। 1 kg राइस प्रोड्यूस करने के लिए आपने पढ़ा होगा ना कि 5000 लीटर पानी यूज करते हैं, लेकिन आजकल आप पढ़ रहे हैं 3000 लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम हमारी तकनीकों को, हमारी टेक्निक्स को इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो एफिशियंसी सरफेस इरीगेशन आपको 40% के आसपास देके जाएगा, जबकि स्प्रिंकलर 65-75 देगा। सर्च तो आपने मुझे बता ही दिया था 85-95% देगा। ड्रिप इरिगेशन जो आपको 90-95% की एफिशिएंसी देगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब स्टार्ट होती है, उसके बाद कौन कौन से कंपोनेंट है, किस डिपार्टमेंट अंडर में आ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। इस स्कीम से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी क्विज कल रात को पूरे 9 बजे टेलीग्राम पे लाइव हो जाएगी। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल का नेम हमारे यूट्यूब चैनल नेम की तरह ही एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है, उस पे जाइएगा, 9 बजे क्विज अटेम्प्ट कीजिए, प्लस जो स्कीम के नोट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, मैंने आज ही आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, तो जाके नोट्स डाउनलोड कीजिए, क्योंकि नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो नोट्स डाउनलोड कीजिए, उनको पढ़िए, प्लस वीडियो आपने देख लिया है, और कल रात को फिर से 9 बजे आ जाइए और क्विज अटेम्प्ट कीजिए। परसों रात को 9 बजे फिर से मिलूंगा नई स्कीम के साथ। आपको लगता हो कोई उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है या कुछ और कवर करवाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा ताकि मैं उससे कवर कर सकूं। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।